हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और इस सीरीज़ में हम इंडियन पैनल कोड के सारे ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 120A और सेक्शन 120B। पर इस वीडियो को देखने के पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले नीचे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 120A क्या कहता है। सेक्शन 120A डिफाइन करता है द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन ये कहती है, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और वो एग्रीमेंट इसलिए होता है टू डू एन इलीगल एक्ट, या तो आप कोई ऐसा इलीगल एक्ट करना चाहते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आप किसी इस तरह का एक्ट करना चाहते हैं जो खुद में इलीगल नहीं है, बट जो तरीका आप अपना रहे हैं उसे अचीव करने के लिए, वो तरीका कहीं ना कहीं इलीगल है। तो इस दो कंडीशन में आपका एग्रीमेंट कहलाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है इलीगल। ये इलीगल वर्ड क्या है? तो इलीगल वर्ड सेक्शन 43 में डिस्क्राइब करा हुआ है। चार चीज़ें होती हैं जो इलीगल टर्म के अंदर आती है। फर्स्ट होता है ऑफेंस। किसी भी तरह का ऑफेंस होता है तो वो इलीगल होगा, या फिर किसी इस तरह का एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या किसी इस तरह का एक्ट विच अराइजेज अ सिविल एक्शन, या फिर किसी इस तरह का एक्ट विच यू आर लीगली बाउंड टू डू बट यू आर नॉट डूइंग इट, तो ये इलीगल ओमिशन होगा। तो इलीगल ओमिशन भी एक तरह का इलीगल एक्ट ही होता है। तो ये चार चीज़ें होती है, ऑफेंस, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक्ट अराइजेज अ सिविल एक्शन एंड एन इलीगल ओमिशन। तो ये चार चीज़ों में आपका एक्ट कहलाएगा एक इलीगल एक्ट। तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब एक एग्रीमेंट बनाते हैं टू डू एन इलीगल एक्ट, या टू डू अ एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल इन इटसेल्फ बट द मीन्स यू आर चूजिंग दैट मीन्स इज इलीगल, इस दो कंडीशन में आपका एग्रीमेंट कहलाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड ये तीनों ही अपने पास में मिलकर एक प्लान बनाते हैं टू किल सी। वो सी को मार नहीं पाते हैं बट दे मेड अ प्लान जो कि एक तरह का क्रिमिनल एक्ट था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। तो इस तरह की कंडीशन में एक्स वाई जेड भले ही सी को मारे या ना मारे, बट दे आर लायबल अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब सेकंड स्लाइड में प्रोवाइडेड ये कहता है कि हर तरह के एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। सिर्फ वही एग्रीमेंट इलीगल होते हैं जिनका मेन एम क्या होता है, टू कमिट एन ऑफेंस। जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, एक्स वाई जेड दे डिसाइडेड टू किल सी। तो उधर क्या हुआ, एक्स वाई जेड दे वर प्लानिंग टू मर्डर समवन, दे वर प्लानिंग टू किल समवन। तो किसी का मर्डर करना इट्स एन ऑफेंस। तो जब ऑफेंस की बात होती है तो वो खुद में ही इलीगल है। तो इस तरह की रिगोरस जब चीज़ें होती हैं, जब ऑफेंस आता है तो वो उसकी सिर्फ प्लानिंग करना, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी उस चीज़ की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाती है। बट वहीं दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब से एक प्लान बना रहे हैं टू कमिट समथिंग विच इज़ सिविल रॉन्ग, अगर आप सिविल रॉन्ग करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें एक ओवरट एक्ट होना ज़रूरी है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब प्लान बना रहे थे सिविल रॉन्ग के लिए, तो उसमें से किसी एक व्यक्ति का ओवरट एक्ट होना ज़रूरी है, तब जाके हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकेंगे। हमारी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर किसी तरह का इलीगल एक्ट आप करना चाहते थे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक्ट करते हैं या नहीं, आप उसे अंजाम देते हैं या नहीं। यानी कि आपने प्लान बनाया था टू किल समवन, आप उसको मार पाते या नहीं बनाते हैं, मार पाते हैं ये किसी काम का नहीं है, बट आपने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई है टू कमिट एन ऑफेंस, तो वो खुद में ही कहीं ना कहीं एक ऑफेंस है। नेक्स्ट चीज़ कहती है, ओके, कॉन्स्पिरेसी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पहले हम इसको सिर्फ एक तरह से सिविल रॉन्ग ही मानते थे, बट इंडियन क्रिमिनल लॉ ने भी अपनी एम्बिट में इसको लिया इन द ईयर 1913 में एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंडर हमने सेक्शन 120A और सेक्शन 120B को इंट्रोड्यूस करा IPC में, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एज अ क्रिमिनल रॉन्ग भी हमने लिया। पर पहले ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ और सिर्फ एक सिविल रॉन्ग कहलाती थी। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तभी कहलाती है जब वो एक एग्रीमेंट हो बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कमिट एन इलीगल एक्ट। एक व्यक्ति अगर सिंगल ही वो अपना कुछ गलत इंटेंशन लेके चल रहा है तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कह सकते, पर जो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति सेम क्रिमिनल इंटेंशन लेके किसी एक्ट को करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं टू डू समथिंग इलीगल। तो जब आप किसी इस तरह का एक्ट कर रहे हैं तो आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब ये एग्रीमेंट भी करते हैं टू डू समथिंग एन इलीगल एक्ट, वो एक तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। सेकंड पॉइंट होता है
ऑल द कॉन्स्पिरेटर मस्ट बी अवेयर ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डिटेल्स. हर तरह के जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं, मान लीजिए 5 कॉन्स्पिरेटर थे, दे वर डिसाइडिंग टू किल समवन, तो पांचों को पता होना चाहिए कि किसको मारना है और किस तरह से मारना है. मेजर डिटेल्स उनके बीच में शेयर होनी चाहिए ऑलरेडी. माइनॉर डिटेल्स जो है छोटी छोटी, वो हो सकता है वो हर किसी को नहीं पता हो, पर मेजर डिटेल्स अगर आपको पता है तो आप भी एक तरह के कॉन्स्पिरेटर ही हैं. एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. ये पूरी तरह से कंटिन्यूइंग ऑफेंस है. मान लीजिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, उस एक्ट को शुरू करा सिर्फ 3 लोगों ने, पर जब वो एक्ट पूरा हुआ तब जाके उनकी पूरी गैंग 10 लोगों की बन चुकी थी. तो पूरे 10 लोग ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होंगे. एंड में जाके कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं तो स्टार्टिंग से इसका पार्ट था ही नहीं, तो वाई एम आई लायबल. ऐसा नहीं है, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, तो यू आर लायबल. सेक्शन 120 भी डिफाइन करता है द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. और पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हमेशा डिपेंड करती है अपॉन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यू वर डूइंग. हमेशा जो आप ऑफेंस करने जा रहे थे उसका नेचर और ग्रेविटी, और जो ऑफेंस था वो बेलेबल था या बेलेबल नहीं था, इन चीज़ों के ऊपर पनिशमेंट डिपेंड करता है. पॉइंट 1 ये कहता है, आप डिटेल्स देख सकते हैं, मैं शॉर्टली डिस्क्राइब कर रही हूँ. पॉइंट 1 ये कहता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऐसे ऑफेंस को करने की थी जो कि काफ़ी सीरियस, एक काफ़ी हीनियस क्राइम था, और उस हीनियस क्राइम की जो पनिशमेंट थी वो पनिशमेंट थी डेथ, रिगरस पनिशमेंट, जो 2 या 2 से ज़्यादा साल की पनिशमेंट थी. तो किसी इस तरह का ऑफेंस आप करने जा रहे थे जिसकी पनिशमेंट थी डेथ या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो उस कंडीशन में आप उस एक्ट को करते हैं या नहीं करते हैं ये इमटेरियल है. अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी अगर आप लायबल हैं तो आपको वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस को करने के बाद आपको मिलती. मान लीजिए आपने किसी इस तरह का ऑफेंस करने के लिए एग्रीमेंट बनाया था जिसके लिए 7 साल की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होनी थी, आप उस एक्ट को तो नहीं कर पाते हैं, पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ज़रूर आपके खिलाफ केस हो जाता है, तो आपको पनिशमेंट 7 साल की क्रिमिनल 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी. इनकी वही पनिशमेंट मिलेगी जो आप उस ऑफेंस को कर लेते तब आपको मिलती. और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब आप एक इस तरह का क्राइम करते हैं जो पहले वाली कंडीशन इतना सीरियस नहीं होता है, थोड़ा उससे कम सीरियस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको उस क्राइम को करने के लिए 6 या 6 मंथ तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है.